इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान में 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा समय विभाग सत्र संशोधित करने की मांग। निर्देशक पंचायती राज विभाग बीकानेर की ओर से 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया गया था, जिसमें 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 19 अप्रैल से शुरू होने वाली है, वहीं 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 16 अप्रैल से शुरू होने वाली है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा का समय है वो 2 बजे से 4:30 बजे तक का है। ऐसे में इस समय में संशोधन करने की मांग उठाई जा रही है। ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे। बांसवाड़ा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और पंचायती राज विभाग की ओर से कक्षा 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल जारी किया गया है, जिसमें 16 से 27 अप्रैल तक होने वाली दोनों बोर्ड कक्षाओं का समय 2 बजे से 4:30 बजे तक का निर्धारित किया गया है। इसे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने अव्यवहारिकता बताया। जिला अध्यक्ष उपेंद्र उपाध्याय ने बताया, देखते हुए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन अवगत कराया जाए। अब किस कारण से परीक्षाओं के समय में बदलाव किया जा सकता है, तो देखिए मार्च माह से ही गर्मी प्रारंभ हो जाती है और अप्रैल में भीषण गर्मी का प्रकोप है वो झेलना पड़ता है। यानी कि अप्रैल और मई इन 2 महीनों में इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ती है, इसका टेम्परेचर भी बहुत बढ़ता है। और जहाँ तक बात करें इसके कई कारण है, ऐसे में 2 बजे छोटे बच्चे एग्जाम देने कैसे जाएंगे। किसी बच्चे का एग्जाम सेंटर है वो 2 से 4-5 किलोमीटर तक भी दूर आता है, तो वो स्टूडेंट कक्षा 5 और 8 के बोर्ड परीक्षा स्टूडेंट है वो ऐसे समय यानी अप्रैल माह की भीषण गर्मी में वो भी 2 बजे एग्जाम सेंटर पर जाना एक चुनौती वाला काम होता है। और कई स्कूलों में पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है, कई स्कूलों में बैठने के लिए पंखे नहीं होते हैं, तो ऐसी गर्मी में बच्चों को एग्जाम देना चुनौती होती है। देखिए यहाँ पर जिला मंत्री दिलीप पाठक ने बताया कि कई विद्यालयों में बिजली, पंखे तथा पानी की पुख्ता व्यवस्था के अभाव दोपहर 2 बजे से परीक्षा आयोजित करवाना है और बालकों के लिए अव्यवहारिकता है, जिसमें संशोधन किया जाना चाहिए। अब देखिए 8वीं बोर्ड की परीक्षा का जो टाइम रखा है वो 2 बजे से 4:30 बजे तक का है। इस टाइमिंग में बदलाव जल्द ही किया जाएगा क्योंकि लगातार मांग उठाई जा रही है। जल्द ही शिक्षा निदेशालय इसकी ओर से आदेश जारी करके दोबारा से इस टाइम टेबल के समय विभाग सत्र में संशोधित कर दिया जाएगा। यानी कि जो समय आपके दोपहर का है उस समय को अब सुबह में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे ही बदलाव का कोई भी आदेश आएगा वो हम आपको बता देंगे। और इसको लेकर शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन भेज दिया गया है। परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें 16 और 27 अप्रैल से शुरू होने वाली मध्य दोपहर 2 से 4 बजे तक की जो परीक्षाएं है, और अप्रैल के फर्स्ट 1 अप्रैल से है वो विद्यालयों का भी समय परिवर्तन हो जाता है। ऐसे में छोटे बच्चों को काफी परेशानी आएगी। अब जल्द ही इस परीक्षाओं के समय में संशोधन कर दिया जाएगा। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के समय परीक्षा जो समय सारणी है वो तो वही रहेगी, सिर्फ इसमें टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। जो दोपहर को होने वाला टाइम है वो अब सुबह में कर दिया जाएगा। तो जैसे ही शिक्षा निदेशालय की ओर से ऐसा कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।